आज हम देखेंगे कि एक आलसी पापा को बेटे ने कैसे सबक सिखाई। चंदन के रसगुल्ले पूरे शहर में बड़े मशहूर थे। वो बड़े बाजार में शाम को अपना ठेला लगाता था। दो रसगुल्ले और देना भाई, मस्त हैं। हमें भी देना भैया, बहुत देर से खड़े हैं। हाँ हाँ दे रहे हैं, बवाल मत मचाओ, हम कोई खाली बैठे नहीं हैं। चंदन की बीवी दुकान के लिए सारे रसगुल्ले बनाती थी, पर वो बड़ा आलसी था। सुनो जी, रसगुल्ले बन गए हैं, आज दुकान लगाने जा रहे हो या नहीं? हाय हाय, क्या मौसम है यार, बड़ा आलस आ रहा है, आज कौन जाएगा ठेला लगाने। हद हो गई, इस हफ्ते तो तुम एक ही दिन गए हो। आज पैसे नहीं मिले तो फिर कभी मुझसे पकवान मत मांगना, और ये सारा छेना भी वेस्ट हो जाएगा। मुझे नहीं जाना है, आराम से सोने दो मुझे। अरे मम्मी, आप ये रोज रोज दलिया ही क्यों बनाते हो? मुझे नहीं खाना है ये। जाके अपने निठल्ले पापा से पूछ। पापा काम पे नहीं जा रहे हैं ना? मुझे एक आइडिया आया है, इधर आओ। अरे ओ राजू की अम्मा, जरा गरम पानी तो ला देना। खुद ही ले लो, मैं तो सो रही हूँ। अच्छा चलो रहने दो, मैं बाद में पी लूंगा। अरे आज पोहा बना देना पुष्पा, खाने को बड़ा मन कर रहा है। इतना अच्छा मौसम है, कौन बनाएगा नाश्ता? रात का दलिया रखा है, जाके खा लो। पुष्पा आई हेट दलिया रे। अरे राजू, जरा गोलू सेठ के दुकान से समोसे तो ले आ। अरे उठ ना, बड़ा आलस आ रहा है पापा, सोने दीजिए ना। हैं? अब तू भी मुझे जवाब देने लगा। इन दोनों को क्या हुआ है सुबह सुबह, ऐसा मैंने अब क्या कर दिया? ओ हो 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 हो, अब समझा, ये दोनों मुझे सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा सुनो राजू और पुष्पा, मुझसे भूल हो गई, इस बार मुझे माफ कर दो। आज से ना मैं रोज दुकान लगाऊंगा, सिर्फ संडे को छुट्टी करेंगे। राजू की अम्मा। हाँ हाँ राजू के पापा, क्यों नहीं, मैं भी खूब पढ़ाई करूँगा और आपके ठेले को एकदम बड़ा 5 स्टार बना दूंगा। तो राजू के सूझबूझ के कारण उसने अपने पापा का आलस छुड़ा दिया, उसके पापा अब मेहनत करने लगे थे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ज्यादा आलस बुरी बात है और इससे आगे चलकर हमारा ही नुकसान होता है। आज की कहानी में हम देखेंगे कि कैसे फूलों का खिलना ना खिलना किसी की खुशी या दुख का कारण हो सकता है। दूर शहर में एक पल्लवी नाम की लड़की रहती थी। उसे अपनी दादी माँ से एक सुंदर सा बागीचा विरासत में मिला था। पल्लवी को भी बागवानी का बहुत शौक था, उसे अपने बागीचे पर गर्व था। एक दिन पल्लवी ने एक बहुत ही सुंदर पौधा कैटलॉग में देखा, वो उसे अपने बागीचे में लगाना चाहती थी। उसने जल्द ही उसे ऑर्डर देकर बुलवा लिया और बागीचे के पीछे पत्थर की दीवार पर लगा दिया। उसने पौधे की बहुत अच्छे से देखभाल की। कुछ ही दिनों में पौधा बड़ा हो गया और उसमें हरी हरी पत्तियां आने लगी। कई महीने गुजर गए पर उस पौधे पर एक भी फूल नहीं खिला। पल्लवी ने तंग आकर पौधे को काटने का मन बना लिया। उसी समय उसकी पड़ोसन आई और कहने लगी, सुंदर फूलों के लिए शुक्रिया, आप नहीं जानती रोज इन
फूलों का देखकर मुझे कितनी खुशी मिलती है। ये सुनते ही पल्लवी पड़ोसी की तरफ वाली दीवार को देखने दौड़ पड़ी और उसने पौधे पर बेहद खूबसूरत फूल खिले हुए देखे। वो खुशी से झूम उठी। उसकी सारी मेहनत रंग लाई थी। उस पौधे की बेला दीवार की दरारों में से रेंगते हुए दूसरी तरफ बढ़ गई थी, इसीलिए फूल भी दूसरी तरफ ही खिले थे। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अगर आप अपनी मेहनत का फल नहीं देख पा रहे हैं, इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि फल मिला ही नहीं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।